अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की शिक्षा के प्रति अगर ध्यान दें तो हमारे वर्तमान बिहार सरकार जो है और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के सचिव के पाठक जी द्वारा हमारे सभी गवर्नमेंट स्कूल के जो है बच्चों के शिक्षा में गुणवत्ता को सुधार के लिए स्पेशल जो है यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष के तहत उनको स्पेशल सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर मिडिल स्कूल जो है डाकबंगला स्थित प्रधानाध्यापक मोहम्मद मसूद जी से जानेंगे कि आखिर मिशन दक्ष के तहत क्या क्या शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी जी। तो सर यहाँ मिशन दक्ष के तहत बच्चों को क्या क्या सुविधा प्रदान की जाएगी? देखिए ये चूँकि हमारे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में ये मिशन दक्ष का मुख्य उद्देश्य है। जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो मौलिक रूप से भाषा गणित की समझ नहीं रख पाते हैं, उससे क्या दिक्कत होती है कि आगे जा करके क्लास 8-9 में जाने के बाद 10 में जाने के बाद उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, या तो वहीं फेल हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके लिए सरकार ने सर्वे करा करके इसमें देखा कि ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं उनके लिए स्पेशल क्लास चलाई है, और उसी स्पेशल क्लास के रूप में एक योजना चला है, एक कई अभियान है जिसका नाम मिशन दक्ष। यानी कि तमाम जो बच्चों कमज़ोर हैं, जो मौलिक रूप से अपने भाषा जो उनका है हिंदी है इंग्लिश है गणित में वो बेहतर ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं, हिंदी को बेहतर ढंग से पढ़ते नहीं हैं, लगातार आपको हिंदी को लिख नहीं सकते हैं, वैसे कमज़ोर बच्चों को हमने चयनित किया है जिसमें लगभग 68 बच्चे 6-8 हमारे हैं, उन्हें अलग अलग शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। एक शिक्षक को 5 बच्चों को गोद लेना है, यानी अच्छा। वो उस कमज़ोर बच्चों में 5 बच्चों को गोद लेंगे, तमाम टीचर उस बच्चे को 3:30 के बाद जो टाइम स्कूल का टाइम है, सभी बच्चे तो स्कूल में उस टाइम में पढ़ेंगे, उसके बाद 3:30 के बाद उन मिशन दस के जो बच्चे हैं कमज़ोर बच्चे हैं उनके पढ़ाने के लिए सभी शिक्षक 5-5 बच्चों को गोद लिया है, और उनकी पढ़ाई वो अपने स्तर से क्लास में करेंगे। उसके लिए बच्चे को सबसे पहले है कि प्रतिदिन आना होगा, क्योंकि ये देखा प्रायः देखा जाता है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनमें एक कमी है कि वो प्रतिदिन आते नहीं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर रहते हैं। तो उनके लिए भी गार्जियन को ऊपर प्रेशर देते होंगे ना कि आप लोग एक मॉड्यूल बनाया है कि जो बच्चे एक दिन भी अगर नहीं आते हैं उनका रीज़न पूछा जाएगा क्यों नहीं आते हैं। उनके गार्जियन से हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं कि किस वजह से नहीं आते हैं, और गार्जियन की मीटिंग में भी पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि विद्यालय को और बेहतर बनाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो होती है वो प्राइवेट स्कूल्स से बेहतर हमारे सरकारी स्कूल में हो, जैसा कि धीरे धीरे इसकी झलक दिखाई दे रही है। तो टीचर के साथ साथ गार्जियन भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें कहा जाता है कि भाई जितना ज़्यादा हो बच्चे को स्कूल भेजें और अपसेंट ना करें, अपसेंट करने से क्या होगा कि बच्चे फिर पीछे रह जाते हैं। तो गार्जियन सहमत है और तमाम गार्जियनों का हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, और एक दिन भी नहीं बच्चे आते हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है कि किस रीज़न से आए, अगर रीज़न सही है तो चलिए एक आध दिन हो सकता है, लेकिन लगातार अगर गायब होते हैं तो फिर उन्हें बॉन्ड लेकर के हम आगे कार्रवाई करते हैं। सर मिशन दक्ष के तहत जितने बच्चों को जो है 68 बच्चों को सेलेक्ट किया तो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू उनको पढ़ाया जाएगा? वो कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे जी उनका सिलेक्शन का प्रोसीडर ये था कि हमने भाषा में उन्हें एक टेस्ट लिया कि कितने बच्चे जो हिंदी ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। किस पैटर्न में टेस्ट लिए थे आप? वो मीडियम क्लास में जो आपको मौलिक उसका जी जी। जो क्लास 6 के अगर बच्चे हैं तो 5 के 4 के भी अगर किताब पढ़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ें धारा प्रवाह अगर नहीं। टेस्ट में मतलब इंग्लिश था, पैटर्न संस्कृत था या फिर मेन भाषा है इसमें हिंदी है इंग्लिश है और गणित, लेकिन मेन फोकस भाषा पर है, उसमें विशेष तौर पर हिंदी, कि हिंदी बच्चा बेहतर ढंग से धारा प्रवाह पढ़ना सीख ले और उसे लिखना सीख जाए, यानी कम से कम ऐसा हो कि साक्षर हो, ऐसा नहीं हो कि क्लास 8 में है वो न पढ़ना जानता है ना लिखना चाहता है, तो दोनों चीज़ अगर नहीं जानता तो साक्षर तो नहीं हुआ, उन्हें अक्षर हो गया। तो उसके लिए हम लोग ने एक टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में जो बच्चे इस लेवल में आए कि जो ना पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं उनका सिलेक्शन हम लोग किया गया। मौखिक रूप से कितने नंबर का टेस्ट था हुआ जो टेस्ट लिया? हम लोगों ने आपको 25 नंबर का रखा था, 25 नंबर का रखा, उसमें जो मिनिमम नंबर है बहुत से बच्चों का 0 भी आया। या हिंदी में हम लोग क्या किया, हिंदी में उन लोगों को बुक पढ़ाया, अच्छा बुक दे दिया गया, टीचर ने बुक दिए पढ़ने के लिए, हाँ हिंदी का बुक दे दिया गया कि पढ़िए, आप पढ़ने के बाद अगर लड़खड़ा रहे हैं और धारा प्रवाह उनके अंदर पढ़ने का ये नहीं है क्रम, तो माना गया कि आप सक्षम नहीं, आपको मिशन दक्ष में आना होगा, और सिलेक्शन का प्रोसीडर हमने कंप्लीट किया। तमाम टीचर मिल करके इस मिशन दक्ष का सहयोग कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद है कि दक्ष मिशन को कामयाब बनाएंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं वो सफल हो, तमाम के तमाम बच्चे इसमें
पढ़ें और पढ़ने के बाद एक एग्ज़ाम होना है, ये फाइनल एग्ज़ाम आपको मार्च 2024 में इसका फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें बच्चे जाएंगे वहाँ से उन्हें पास का सर्टिफिकेट मिल सकता है। एग्ज़ाम में देखा जाए कि हाँ सही मानो मिशन का जो योजना था, जो अभियान था, वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं। तो हमारी कोशिश है, हमारे तमाम टीचरों का पूरा विद्यालय परिवार ही इस पर तत्पर है, इसलिए आज हम लोगों ने रफीकन के प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। माननीय आपको बीओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आने की दावत दिया गया था, लेकिन किसी कारण से वो जिला में चले गए, जिसकी वजह से नहीं आए। तो हम लोगों ने इसका शुभारंभ कर दिया है और लगातार ये क्लास जारी रहेगा। हम लोग टीचर कम्प्लीटली 5 बजे तक यहाँ विद्यालय में रहेंगे और बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में योगदान देंगे। आप लोग सर मिशन दक्ष में कितने टीचर हैं? हम लोग टोटल अभी 11 टीचर हैं मिशन दक्ष में। हाँ, एक के टीचर को 5 बच्चे लेना। अच्छा, तो उससे कुछ टीचर कम होंगे, कम हो रहे हैं, तो हम विभाग से डिमांड करेंगे कि हमें और टीचर दिया जाए, जो बच्चे हाँ आवश्यकता है, जो बचे हुए विभाग टोला सेवक हों या फिर हाई स्कूल कहा गया कि हाई स्कूल के जो टीचर हैं अपने फीडर एरिया है, उनका पोषक क्षेत्र है, वहाँ से वो आएंगे हमारे बच्चों को और जो बच गए हैं उनको पढ़ाएंगे। तो और बाकी आप तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका सहयोग और स्कूली बच्चों का विकास जरूर हो। जय हिंद। बदल